नमस्कार सर नमस्कार जी सर परिचय है अपना सबसे पहले सर मेरा नाम शाहनवाज है जी और मेरे कंपनी का नाम ग्रीन ऑर्गेनिक है जी और हम वर्मी कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं कब से कर रहे हैं सर आप ये सर लगभग दो साल हो कितने बैड आपने शुरुआत करी थी सर फिफ्टी बैड से शुरुआत की थी आज कितने बैड है सर सर आज पौने दो सौ बैड है सर जैसे आपने शुरुआत करी थी स्टार्टिंग में तो आपको लगा था कि मैं इसको यहाँ तक पहुँच पाऊंगा नहीं पहुँच पाऊंगा कुछ शंका संकोच मन में सर शुरू में जो थे बहुत प्रॉब्लम आई थी जी सर मार्केटिंग को देखते हुए अर्निंग कुछ नहीं हो रही थी जी सर लगभग कम से कम छह महीने लग चुके थे जी सर कुछ भी मतलब अर्निंग नहीं हुई थी।, थी।, थी जी जी तो अभी सब ठीक ठाक चल रहा है सर बहुत अच्छा है जी उसके बाद मे... में हमने मार्केटिंग की नर्सरी पे गए बहुत मेहनत की है तो उसके बाद में हमें फिर अर्निंग होनी शुरू हो गई शुरू हो गई है जी सर सर अगर प्रोडक्शन की बात करें आपकी कितना प्रोडक्शन आप हो जाता है आपके यूनिट से खाद का सर ये समझो मंथली पंद्रह से पंद्रह टन के आसपास हो जाता है मैं देख रहा हूँ सर ये काफी कलरफुल आपके पैकेट हैं जी सर तो कितने की पैकिंग है क्या है सर इसके बारे में थोड़ा बताएं सर पाँच किलो की जो पैकिंग है हमारी जी वो फोर्टी रुपीज की है दिखाएं सर ये पाँच किलो की पैकिंग है फोर्टी रुपीज की जी सर जी और जी। सर एक इसमें दस किलो की है जी सर वो है सेवेंटी रुपीज की जी ऑल ओवर इंडिया कहीं भी भेज सकते हैं आप हाँ सर कहीं भी भेज सकते हैं जी और अर्थवॉम्ब की बात करें तो सर किस रेट का आप सेल कर रहे हैं सर अर्थ फॉर्म जो है हमने सौ रुपये का रेट निकाला हुआ है कौन सी क्वालिटी है सर सर एसिना फैटिडा है रेड कलर की ब्रीड है ऑस्ट्रेलिया की है दूसरा मैं देख रहा हूँ सर जो बेड है आपके वो कितनी लंबाई चौड़ाई की है सर वो थोड़ा गणित बताइए सर जो बेड है हमारे ये नौ फिट के होते हैं डबल जोड़ा जी सर और इसकी हाँ, अपनी जो जगह है उसके हिसाब से हम अपनी हाँ लंबाई इसकी रख सकते हैं हमने जो रखी हुई है हमारे तीस फीट की रखी हुई है सर जी जी तो उसको भाई हमारे जितना मर्जी आगे बढ़ा सकते हैं उसको? जी सर सौ फीट का भी बना सकते हैं पचास फीट का ही बना सकते हैं बीस फीट का ही बना सकते हैं दस फीट का ही बना सकते हैं जी दूसरा जो भाई इसको स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो कितने बैड से शुरुआत करें सर कितने बैड से उनको स्टार्ट करना चाहिए सर अगर हमें जैसे कॉमर्शियल करना है तो लगभग तीस बैड तो होने चाहिए सर जी तो तीस बैड में जो हमारी अर्निंग भी आती है तो वो जैसे कमर्शियल ज्यादा वो हो जाता है जी जी सर सर और दूसरा सर ये बताइए कि आपको इसमें समस्याएं स्टार्टिंग में क्या क्या आई थी चुनौतियाँ क्या क्या आई थी सर समस्या तो सिर्फ वही थी मार्केटिंग कैसे करें कहाँ पे जाएं कहाँ पे इसको बेचें जी जी सर तो जो फेसबुक यूट्यूब सर व्हाट्सएप वगैरह है उससे भी आपने। सर उसी से हमने फिर मार्केटिंग शुरू की जी कुछ लोग कहते हैं कि इसमें गाय का गोबर इस्तेमाल करना चाहिए कुछ कहते हैं कि भैंस का भी इस्तेमाल करना चाहिए बड़ा कंफ्यूज रहते हैं किसका इस्तेमाल करें सर वो सर भैंस का भी कर सकते हैं गाय का गोबर भी कर सकते हैं कितना पुराना होना चाहिए सर सर लगभग आठ से दस दिन तक पुराना हो मतलब ये है कि उसमें प्रोडक्टिविटी जो जी, है जी जी वो खत्म हो जाएगी जैसे सपोज फॉर एग्जांपल सपोज गोबर आया जी सर यूनिट पे डाल दिया फिर क्या करें कटाई वगैरह करते हैं पानी डालते हैं प्रोसेस जो है वो समझाइए सर जो दस बारह दिन का प्रोसेस होता है सर जैसे हमने जैसे गोबर मंगाया गोबर मंगाने के बाद में हमने एक जगह इकट्ठा करा दिया इकट्ठा कराने के बाद में सर हमने बेड बनाया जो बेड की जो लंबाई है वो हमारी अपने ऊपर है तीस फीट हो जाती है बीस फीट हो जाती है जो इसमें जो है चार फीट की हम चौड़ा बनाते हैं जी और एक फीट में एक किलो कैचुआ डालते हैं जी जी एक फीट में एक किलो कैंच जी सर तो जितना बड़ा बेड है उसके हिसाब से हाँ, भाई कैलकुलेशन कर लें जी, दस फीट का है तो दस किलो कैंच जी सर चालीस फीट का तो चालीस किलो कैंच जी सर सर ये बताइए की खाद कब बन के तैयार हो जाती है कब पता लगे की खाद अब रेडी हो गई है सर सर जैसे देखे की हमारा जो है ये बेड है जी ये लगभग हमारा बीस से पच्चीस दिन पुराना है और इसकी जो है लेयर ये लगभग इतनी तैयार हो चुकी है जी लगभग डेढ़ इंच तैयार हो गई तो हम इसको है ना क्रोल के ऐसे देते हैं और इसका जो कैंचवा होता है वो नीचे पहुंच जाएगा और अपने ये हाथ हम उठा लेंगे मतलब जो आसानी से निकल जाए हाथ से, हाँ से से निकल जाती है जी सर जी और क्वालिटी एकदम बहुत अच्छी क्वालिटी का जाता है ऐसे समझो जैसे सर जैसे चाय की पत्ती हाँ वो तैयार होके अपना ऊपर आ जाएगी जी सर दूसरा सर ट्रेनिंग आपने ली थी कभी इसकी सर ट्रेनिंग नहीं ली थी क्या महत्व है सर ट्रेनिंग का आप क्या सोचते हैं ट्रेनिंग लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए सर ट्रेनिंग का कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है जो ट्रेनिंग लेनी जरूरी है जी सर ट्रेनिंग इसमें न कोई ऐसी कोई समस्या आती है जो कि हमें ट्रेनिंग जरूरी है ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है मतलब ये है कि इसको बहुत ज्यादा से हवा बना रखा है कि कैसे होगा कैसे हो मर जाएंगे अगर कोई फोन पे भी संपर्क में आपको समझा सकता है बता सकता है तो उससे भी आप काम चला सकते हैं जी सर कोई जी। भी अगर हमसे जुड़ता है या हमसे कोई यूनिट लगवाता है तो हम उसकी यूनिट का पूरा ध्यान रखते हैं दूसरा सर ये बताइए कि इसमें जो है और क्या क्या आपको समस्या आने वाली है या आ सकती है जो भाई इसको स्टार्ट करने की सोच रहे हैं कोई भी अगर समस्या आती है तो सर हम हैं, हम हैं हम पे कांटेक्ट कर सकते हैं और उसकी समस्या का हम पूरा समाधान करेंगे सर जैसे मैं देख रहा हूँ आपने काफी तरक्की करी है अब आगे आपका प्लान क्या है सर आगे जो प्लान है सर हमारा बड़ी यूनिट लगाने का प्लान है जी लगभग कम से कम हम सात सौ आठ सौ बेड लगाने के उसमें है सर कोई जमीन रेंट पे देख रहे हैं जी और ये हमारा पूरा यहाँ पे लगभग पौने दो बेड है अपना आम का बगीचा है और अपने आम के जैसे ही शुरू किया था पहले जी जी उसके बाद में फिर हमने बिजनेस के तौर पे शुरू किया है अब हमारा जो है सात सौ आठ सौ बेड मैं काफी देख रहा हूँ काफी सर लंबा चौड़ा है यूनिट मैं पहले भी आ चुका हूँ पहले से आपने काफी तरक्की करी है दिखता भी है सर लोगों को भी और देखिये मैं देख भी रहा हूँ जी सर काफी फैल चुका है सर अगर एक बेड की बात करें तो कितना इसमें खर्चा आता है कितना इससे मुनाफा हो जाता है सर एक बेड का जो खर्चा आता है लगभग लगभग पांच से छह हजार

अब ये जो मौसम है ये अंडे वाला है जी जो केचवा जो है सर अंडा देता है सर्दियों में जी सर दूसरा सर ये बताइए कि जो खाद है वो कितने दिन में तैयार हो जाती है बनके खाद क्या है जो असली जो खाद है वो कितने दिन में बनके तैयार हो जाती है सर जैसे हमने बेड लगाया बेड लगाने के बीस दिन बाद में हमारी एक इंची लेयर तैयार हो जाती है खाद बननी शुरू होती है सर एक इंची उसमें तैयार हुई वो हमने उतार ली लगभग हमारे आठ से दस लेयर उतरती है आठ से दस लेयर उतरने के बाद में जो नीचे जो बचती है तीन तीन लेयर बच जाती लगभग जी तो सर टोटल इसकी जो लेयर हम समझते हैं जैसे हम अपनी उतारते हैं तो पंद्रह लेयर उतारते हैं तो हमने आठ से दस लेयर उतार ली और उसके बाद में जो हमारे पास बचती है फिर हम उसको नए बैड में एक बेड को तीन बेड में डिवाइड कर देते हैं जी जो नए बेड बनाते हैं तो वो तीन बेड में डालते हैं फिर हम सर देख रहा अभी एक्टिविटी सर आपके फार्म पे चल रही है जी सर ये सर ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी है क्या है सर ये थोड़ा बताएं इसके बारे सर में सर ये हमारा जो माल है पंजाब के लिए रेडी हो रहा है पंजाब का ऑर्डर है और ये पटियाला में जाएगा सर तो आप सप्लाई भी ये सप्लाई कर रहे हैं जी सर जी सर सर आप हमारे युवा बेरोजगार भाई को क्या संदेश देना चाहते हो सर संदेश हम ये देना चाहते हैं जो गाँव गाँव से शहर की तरफ जो लोग जा रहे है सर हम उनको गाँव में ही रहें और ये बिजनेस करें और इसमें ठीक ठाक अर्नी हो जाती है जी धन्यवाद सर आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी धन्यवाद जा, सर धन्यवाद सर